हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपन ने चैप्टर 4 में टॉपिक पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशंस, और प्रोजेक्टाइल मोशंस में अपन ने निकाला था किसी भी पार्टिकल को अगर अपन जमीन से थीटा डिग्री के कोण पर फेंकते हैं तो उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होती है। मैक्सिमम रेंज होती है उसको अपन जिस सरफेस से फेंकते हैं वापस वह उसी सरफेस पर आता है तो क्षैतिज दिशा में कितनी अधिकतम दूरी तय करता है, वो होती है उसकी मैक्सिमम रेंज या अधिकतम परास्त। तो अपन ने देखा था रेंज का फॉर्मूला, साथ में ही उस प्रक्षेप्य का हाइट का फॉर्मूला, जब अपन उसको फेंकते हैं तो वो ऊर्ध्वाधर दिशा में कितनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है, और साथ में ही अपन ने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, कि प्रक्षेप्य को अपन जिस तल से फेंक रहे हैं पुनः उसी तल में आने में उसको कितना समय लगता है। तो ये वहाँ पे अपन ने हाइट, रेंज और टाइम का डेरिवेशन डिस्कस किया था। अब अपन आज हाइट, रेंज और टाइम पे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो अपन लेते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल, किसी कण को क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, प्रक्षेप्य की अधिकतम परास व उड्डयन काल ज्ञात करो। और अपन को दे रखा है कि अपन को z की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपन के पास में एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल को अपन जमीन से थीटा डिग्री के कोण पर फेंक रहे हैं, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे रखी है 30, मतलब उस पार्टिकल को अपन 30 डिग्री के कोण पर फेंक रहे हैं, और उसकी वेलोसिटी अपन को गिवन है 50 मीटर पर सेकंड। तो अपन के पास में एक कण है, उस कण को अपन जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हैं। अब अपन को बताना है कि वह कण क्षैतिज दिशा में कितनी अधिकतम दूरी पर जाएगा और कितने टाइम बाद वह वापस पुनः उसी तल में आएगा। तो यहाँ पर अपन को निकालनी है रेंज और टाइम। तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू अपन को गिवन है 50 मीटर पर सेकंड, थीटा की वैल्यू अपन को गिवन है 30 डिग्री, और जी की वैल्यू अपन को गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन डेटा को अपन पुट कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे अपन को मिला यू स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, अपन को थीटा की वैल्यू गिवन है 30, तो 2 थीटा हो गया 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2, और जी की वैल्यू लिखेंगे 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपन को रेंज मिलेगी 125 √3। तो उस वो कण है, वह कण क्षैतिज दिशा में 125 √3 मीटर दूर जाएगा। अब अपन को निकालना है कि वह कण वापस सरफेस पे आएगा तो कितना टाइम लेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट या प्रक्षेप्य का उड्डयन काल अपन को निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अपन को ये सारे डेटा गिवन है वहाँ पे, तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे अपन को टी की वैल्यू मिली 5 सेकंड, तो वह पार्टिकल 5 सेकंड बाद पुनः उसी तल पे आ जाएगा। तो यहां से अपन को रेंज मिली 125 √3 मीटर और टाइम मिला 5 सेकंड। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कण को क्षैतिज से 60 डिग्री कोण बनाते हुए 100 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, कण के क्षैतिज दिशा में वेग ज्ञात करो, कण की ऊंचाई, परास व उड्डयन काल ज्ञात करो। तो यहाँ पे अपन को बता रहे हैं एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को अपन 60 डिग्री के एंगल पे फेंक रहे हैं, और उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी अपन को दे रखी है 100 मीटर पर सेकंड। अब अपन को निकालना है कि उस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, मतलब कण का क्षैतिज दिशा में वेग क्या रहा है, और साथ में ही उस पार्टिकल की रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। तो यहाँ पे अपन को परास, ऊंचाई और उड्डयन काल निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन को गिवन क्वांटिटीज क्या है। थीटा की वैल्यू अपन को दे रखी है 60 डिग्री, यू दे रखा है वेलोसिटी जो कि है 100 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे अपन को जी की वैल्यू गिवन है कि अपन को जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखते हैं फर्स्ट, तो कण का क्षैतिज दिशा में वेग ज्ञात करो। तो कण का क्षैतिज दिशा में वेग क्या होता है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे अपन को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपन को पार्टिकल की वेलोसिटी मिलती है ux इज इक्वल टू u cos थीटा। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे, u की वैल्यू अपन को गिवन है 100 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी मिलती है
50 मीटर पर सेकेंड। अब अपन को निकालनी है पार्टिकल जब प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट को कवर करता है। तो हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पे अपन ये डेटा पुट करेंगे, यू की वैल्यू है 100 का स्क्वायर, साइन 60 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू अपन को लेनी है 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में हाइट आएगी 375 मीटर। जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है तो वह 375 मीटर ऊपर जाता है, तो उसकी हाइट अपन को मिल गई 375। फिर निकालनी है अपन को कण की परास। जब अपन उस पार्टिकल को फेंकते हैं तो वो वापस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आता है तो वो कितनी डिस्टेंस को कवर करता है, ये होती है रेंज। तो यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी। 2θ दे रखा है यहाँ पे, मतलब जो थीटा है उसका हो जाएगा दुगुना। तो यहाँ पे अपन लेंगे साइन 2θ, तो साइन 2 × 60, तो यहाँ पे होएगा साइन 120, और साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में रेंज आएगी 500√3 मीटर। तो वह पार्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस में 500√3 मीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। फिर निकालना है अपन को प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, कि वह पार्टिकल कितने टाइम बाद वापस उसी एक्सिस पे आ जाता है। तो t = 2u sin θ / z, यहाँ पे अपन को वैल्यू दे रखी है u की 100, और sin 60 की वैल्यू अपन को पता है √3/2 होती है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में टाइम आएगा 10√3 सेकेंड। तो वो पार्टिकल 10√3 सेकेंड बाद वापस उसी तल पे आ जाएगा। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कण को ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण पर 200 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। वेग का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करो, ऊंचाई परास व उड्डयन काल ज्ञात करो। तो यहाँ पे अपन को बता रखा है एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को अपन फेंक रहे हैं 200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, लेकिन अब अपन उसको ऊर्ध्वाधर दिशा से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंक रहे हैं। मतलब अगर अपन उसको वाई एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंक रहे हैं तो एक्स एक्सिस से उसका एंगल कितना होएगा 30, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होती है। अगर वाई से उसका एंगल बन रहा है 60, तो एक्स से बनेगा उसका 30, क्योंकि 30 प्लस 60 क्या होता है 90। तो यहाँ पे अपन को एंगल मिल गया, थीटा की वैल्यू अपन को मिली 30 डिग्री, क्योंकि अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशंस में जो एंगल कंसिडर किया है वो अपन ने हमेशा एक्स एक्सिस से एंगल को कंसिडर किया है। तो यहाँ पे अपन को थीटा की वैल्यू 60 ना लेके थीटा की वैल्यू लेंगे 30 डिग्री, जो कि बनती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। अब अपन को वेलोसिटी गिवन है 200 मीटर पर सेकेंड। अब अपन को निकालना है इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। तो वेग का क्षैतिज घटक क्या होता है यू एक्स होता है यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे यू की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 200, और कॉस थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे कॉस 30। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और जिस अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में उसकी क्षैतिज दिशा में अपन को वेलोसिटी मिलेगी 100√3 मीटर पर सेकेंड। अब अपन को निकालनी है उस पार्टिकल की ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग क्या होगा, UY = u sin θ, यू की जगह 200, साइन थीटा की जगह अपन पुट करेंगे साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो अपन को उसकी ऊर्ध्वाधर दिशा में वेलोसिटी मिलती है 100 मीटर पर सेकेंड। तो वो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में तो मूव करेगा 100√3 मीटर पर सेकेंड से, और वाई डायरेक्शन में मूव करेगा 100 मीटर पर सेकेंड से। अब निकालनी है अपन को पार्टिकल की हाइट, कि अगर पार्टिकल जब प्रोजेक्टाइल मोशन में है तो वो कितनी हाइट कवर करता है। तो हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin² θ / 2g। तो यहाँ पे अपन को u गिवन है, sin थीटा गिवन है, z की वैल्यू गिवन है। तो जब अपन इसमें पुट करेंगे तो अपन को हाइट मिलेगी 500 मीटर। ऐसे ही अपन निकालेंगे पार्टिकल की रेंज, कि वह पार्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin² θ / z। यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू अपन को गिवन है sin 30, लेकिन यहाँ पे अपन को दे रखा है sin 2θ। तो जो थीटा है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे, वो पुट करेंगे साइन 60 की। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो अपन को रेंज मिलती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में 2000√3 मीटर। तो वह पार्टिकल 2000√3 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। अब अपन को निकालना है कण का उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि वह पार्टिकल कितने टाइम बाद वापस उसी एक्सिस पे आता है। तो t = 2u sin θ / z, यहाँ पे अपन
वैल्यू पुट कर देंगे तो टाइम मिलेगा अपन को 20 सेकेंड, तो वह पार्टिकल अपन उस पार्टिकल को जिस एक्सिस से फेंक रहे हैं वापस उसी एक्सिस पे आने में 20 सेकेंड का टाइम लेगा। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कण को क्षैतिज से विभिन्न कोणों पर 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है तो परास ज्ञात करो। तो यहाँ पे अपन को 4 एंगल दे रखे हैं और अपन को पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड। अपन उस पार्टिकल को 100 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं। अब अपन को यहाँ पे एंगल चेंज कर करके बताना है कि जब अपन एंगल चेंज करते हैं तो पार्टिकल की रेंज या प्रक्षेप्य की परास किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो फर्स्ट लेते हैं अपन एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। तो रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ / z। तो u की जगह वैल्यू पुट करेंगे 100 का स्क्वायर, sin 2θ की जगह पुट करेंगे 90, तो 2 × 90 हो गया 180। तो sin 180 की वैल्यू होती है 0। तो जब अपना एंगल 90 डिग्री होता है तो अपन को रेंज मिलती है, वो मिलती है 0 मीटर। सेकेंड है, जब अपना एंगल 45 डिग्री होगा तो अपन को कितनी रेंज मिलेगी। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे u² sin 2θ / z में। अब थीटा की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे 45, तो 2 × 45 हो गया 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में रेंज मिलेगी 1000 मीटर। और अपन जानते हैं किसी भी पार्टिकल को अगर अपन 45 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो अपन को उसकी मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो पार्टिकल की मैक्सिमम रेंज आएगी अपन के पास में 1000 मीटर। थर्ड देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जब अपन उसको 60 डिग्री पे फेंकेंगे तो अपन को कितनी रेंज मिलेगी। तो यहाँ पे अपन करेंगे u की वैल्यू गिवन है sin 2θ, थीटा की जगह पुट करेंगे 60 और 2 × 60 हो गया 120 और sin 120 की वैल्यू होती है √3/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में रेंज मिली 500√3 मीटर। तो जब एंगल 60 डिग्री होता है तो उसकी रेंज अपन को मिलती है 500√3 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे अपन को कितनी रेंज मिलती है। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 × 30, तो यहाँ पे हो गया 60 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तब भी अपन को सेम रेंज मिली। जो रेंज अपन को 60 डिग्री में मिली वही रेंज अपन को 30 डिग्री में मिली। और अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किसी भी पार्टिकल को अगर अपन 45 + θ या 45 - θ पे फेंकते हैं तो उसकी रेंज अपन को इक्वल मिलती है। अपन देखते हैं यहाँ पे थीटा है 60, तो 60 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 45 + 15, और यहाँ पे अपन को एंगल दे रखा है 30, तो 30 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 45 - 15। तो यहाँ पे अपन के पास में थीटा आ गया 15, अपन इसको फेंक रहे हैं 45 + θ, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 15 और इसको फेंक रहे हैं 45 - θ और यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू है 15। तो अपन को दोनों की रेंज सेम मिलती है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज तल से प्रक्षेप्य गति का वेग त्वरण के लंबवत कब होता है। अब अपन देखते हैं, अगर किसी पार्टिकल को अगर अपन क्षैतिज से थीटा डिग्री के कोण पर फेंकते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है, क्योंकि वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास में मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो अपन डायरेक्शन निकालते हैं, जिस पथ पे अपन को डायरेक्शन निकालनी होती है उस पथ पे अपन खींचते हैं एक स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा के अनुदिश अपन को मिलती है डायरेक्शन। अब जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो यहाँ पे अपन को मिल रहा है पैराबोलिक पाथ। अब यहाँ पे अगर अपन एक स्पर्श रेखा खींचे, एक टेंजेंट ड्रॉ करे, तो टेंजेंट जिस साइड में होगा उसी साइड में अपन को मिलती है डायरेक्शन। तो अपन देखते हैं पहले फर्स्ट पॉइंट, अगर पार्टिकल अपना इस पॉइंट पे है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में होगी। तो अपन ने इस पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा खींची, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो अपन को उसकी डायरेक्शन मिल गई। अब देखते हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे भी अपन क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा खींचने पर अपन को डायरेक्शन मिलती है। तो अपन देखते हैं हर पॉइंट पे जब अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो अपन को डायरेक्शन अलग अलग मिलती है। पर अपन देखते हैं जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी अपन की लग रही है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ग्रेविटी की तो डायरेक्शन फिक्स है, ग्रेविटी हमेशा अपन की लगेगी ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है।
तो अपन देखते हैं जब हाईएस्ट पॉइंट होता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे ग्रेविटी की डायरेक्शंस तो है नीचे की तरफ, लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी अपन को एकदम मिल रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल में, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसके पैरेलल में अपन को मिल रही है वेलोसिटी। तो अपन देखते हैं दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और ग्रेविटी के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री का, और ग्रेविटी हमेशा लगती है नीचे की तरफ। जब पार्टिकल को अपन नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जब वो ऊपर जाता है तब उस पर जो ग्रेविटी लगती है वो होती है -g, और ऊपर से जब नीचे की तरफ आता है तब उसकी ग्रेविटी होती है +g। और वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पर चेंज होती रहती है, और डायरेक्शन अपन निकालते हैं उस पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करके। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक पत्थर को अधिकतम 100 मीटर दूर फेंक सकता है, यह पत्थर कितनी ऊंचाई तक जाएगा? तो यहाँ पे अपन को रेंज दे रखी है 100 मीटर। एक व्यक्ति एक पत्थर को फेंक रहा है और वो मैक्सिमम रेंज पे जा सकता है 100 मीटर, और अपन जानते हैं मैक्सिमम रेंज पे फेंकने के लिए अपन को एंगल चाहिए 45 डिग्री। तो यहाँ पे अपन को एंगल दे रखा है, थीटा की वैल्यू अपन को दे दी 45 डिग्री, और आर मैक्सिमम की वैल्यू अपन को गिवन है 100 मीटर। अब आर मैक्सिमम क्या होता है? आर मैक्सिमम होता है u2/z। तो u2z की वैल्यू अपन को गिवन 100 मीटर। अब अपन को निकालनी है हाइट कि जब अपन उसको जब वह पत्थर मैक्सिमम रेंज पे जाता है तो वो कितनी हाइट को कवर करेगा। तो h=u²sin²θ/2z। तो यहाँ से अपन ने u²/z को कर दिया सेपरेट, और इधर अपन के पास में बचा sin²θ/2। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 45, तो यहाँ पे अपन ने लिखा sin45²/2। u²z की वैल्यू अपन को यहाँ से मिलती है 100, तो यहाँ पे अपन ने पुट की 100। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और उसको जब स्क्वायर करेंगे तो अपन को मिलेगा 1/2। तो एक बार तो आ गया ये 1/2, और एक बार आ गया ये वाला 2। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलेगी हाइट 25 मीटर। जब वह पार्टिकल मैक्सिमम रेंज में है तब उसकी हाइट अपन को मिलती है 25 मीटर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।